हे एवरीवन, किवें तुसी सारे? आई होप तुसी सारे जने बहुत वधिया होवोंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी अज की स्टोरी, जिसका नाम है नागा। जैसे कि हम जानते हैं कि आर के नारायण की जो राइटिंग्स है, वो इस बात के लिए फेमस है कि वो अपनी सारी राइटिंग्स में जो लोगों की, आम लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उनकी डेली लाइफ की जो स्ट्रगल्स हैं, सोरोज़ हैं, जॉयज़ हैं, वो उन्हें उसमें एक्सप्लेन करते हैं। पर ये स्टोरी है जो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी स्टोरी से, क्योंकि इस स्टोरी में राइटर ने एनिमल्स की जो डेली लाइफ है उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अपना जो लिखने का उन्होंने दायरा है वो बढ़ाने की कोशिश की है, और इस स्टोरी में बताया कि कैसे जो एनिमल्स हैं वो सोरोज हैं, उनकी लाइफ में होते हैं, और उन्हें जो हिंसा है उसका सामना करना पड़ता है जब उनके जो ओनर्स हैं वो उन्हें अपने पास रखते हैं, वो अपने सेल्फिश एंड्स के लिए उन्हें रखते हैं, और उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है। उन्हें क्रुएलिटी है जो वो रोज़ फेस करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ इसमें है कि मैन और एनिमल का जो रिलेशनशिप है वो इसमें दिखाया गया है, कैसे जो इंसान है वो एनिमल पे डिपेंड करता है अपनी अर्निंग्स के लिए, और जो एनिमल्स है वो अपने खाने के लिए एक मैन पे, एक इंसान पे डिपेंड करते हैं। और इसके अलावा इस स्टोरी की एक और ख़ास बात है कि इस स्टोरी में जो एनिमल्स हैं उन्हें तो नाम दिया गया है, बट किसी भी जो करेक्टर है, जो इंसान है, उन्हें कोई भी नाम नहीं दिया गया। अब इस स्टोरी में दो जो करेक्टर्स हैं, नेम जिन्हें दिए गए हैं वो है, एक है स्नेक, जिसका प्यार से जिसे लोग नागा बुलाते हैं, और एक है मंकी, जिसे प्यार से रामा बुलाया जाता है। बट जो इसमें दो और मेन कैरेक्टर्स हैं वो है यंग बॉय एंड हिज फादर, और उनका कोई भी नाम है जो स्टोरी में नहीं दिया गया। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें देखते हैं कि इस स्टोरी में रेफरेंसेस हैं इंडियन वर्ड्स, इंडियन रिलीजन एंड अबाउट सम सुपरस्टिशंस। जैसे कि इस स्टोरी में जब मंकी को नाम दिया जा रहा है रामा, तब हमें जो एपिक रामायणा है उसका रेफरेंस मिलता है कि जो मंकीज हैं उनके लॉर्ड हैं लॉर्ड हनुमान, और दूसरा जो लॉर्ड रामा के लिए लॉर्ड हनुमान है जो वो रावण की कैपिटल को अपनी टेल से जला कर आए थे। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमें रेफरेंस मिलता है रिलीजन का ही, वो मिलता है स्टोरी के एंड में जब वो बॉय है जो वो स्नेक को उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए जाता है, तब वो गरुड़ा को देखता है जो कि विष्णु का व्हीकल माना जाता है हिंदू रिलीजन में, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसे दोबारा अपनी बास्केट में डाल लेता है और अपने साथ ही ले जाता है। ठीक, और अब हम देखते हैं स्टोरी की थीम्स जो कि हैं इंडिपेंडेंस, कनेक्शन, स्ट्रगल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। चलिए अब शुरू करते हैं स्टोरी की समरी। तो हम स्टोरी में देखते हैं कि एक 10 साल का लड़का है और उसका फादर है, और जो उसका फादर है वो एक स्नेक चार्मर है, और वो बहुत ही गरीब हैं और एक शहर में, छोटे से शहर में एक हट में रहते हैं। उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपने खाने के लिए कमा पाते हैं, और उनके पास जो स्नेक है उसका नाम उन्होंने नागा रखा हुआ है, और इसी से उनका जो पूरी अर्निंग्स होती है, और नागा को वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि एक दिन जो यंग बॉय है वो एक मंकी को देखता है टैमारन ट्री पर, और अपने फादर से ज़िद करता है कि उसे वो मंकी चाहिए, बिकॉज वो चाहता है कि वो उसे जो पेड़ पर फल लगे हैं वो तोड़ कर दे। तो उसका फादर उसे बोलता है कि नहीं, ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें हैंडल नहीं किया जाता, उन्हें बड़े प्यार से हैंडल किया जाता है। और जब मैं स्टोरी रीड कर रही थी तो मुझे लगा कि जो ये पर्सन है, इस बॉय का फादर,
वो एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, काइंड पर्सन है, एनिमल लवर है, बट देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ही सेल्फिश पर्सन है। उसने उस मंकी को पकड़ा और अपने पास जो कैप्चर कर लिया, और उसके बाद उसे वो भूखा रखता है और उसे ट्रेंड करता है ताकि वो उससे लोगों को एंटरटेन कर सके, उसकी जो अर्निंग है वो बढ़ सके। और ऐसा हुआ भी, जब उन्होंने उस मंकी को यूज़ किया लोगों को एंटरटेन करने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिला। और इसके बाद जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने इस मंकी का नाम है जो वो रामा रख दिया था। और जो लड़का है, जो यंग बॉय है, वह हर जगह, यहाँ भी उसके फादर जाते थे अपने काम के लिए, उसके साथ जाता था, और साथ ही साथ में वो भी सीख गया था कि कैसे स्नेक एंड जो मंकी है उसको हैंडल किया जाता है, उन्हें कैसे फीड किया जाता है। और जब एंटरटेन करने की बारी आती है, तब भी वो उसे सिखा रहा था कि साथ ही साथ में कि कैसे सब काम किया जाता है। तो आगे हम स्टोरी में देखते हैं कि जो ये बॉय है, उसकी मदर नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है शायद गरीबी की वजह से। और अब जो उसके फादर हैं, उनका एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है जो कि स्टोरी में लस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके फादर, जब उनकी इनकम बढ़ जाती है, तो उसके बाद वो जो अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं। और जब वो पी कर आता था, तो उसके बाद वो अपने बेटे को मारता पीटता था। और अब उस बच्चे के दिल में बहुत ही ज़्यादा डर था अपने फादर की वजह से। और जब भी लड़का अपने फादर से उस औरत के बारे में पूछता था, तब उसके फादर बोलते थे कि वो बहुत ही एक अच्छी पर्सन है, उसके बारे में उसे बुरा नहीं सोचना चाहिए। और एक दिन जब वह उठता है और देखता है कि उसके फादर है जो वो हट में नहीं थे, और वो मंकी को भी वहाँ पे नहीं पाता, तो उसे बाद में समझ में आता है कि वो ज़्यादा वेट करने के बाद, और उसे एक औरत बताती है आकर, वो वहीं आसपास रहती थी, कि वो एक औरत के साथ है जो वो बस में चढ़कर जा चुका है। और अब उस लड़के को भी यकीन हो गया है कि उसके फादर अब वापस नहीं आने वाले, वो उसे छोड़कर चले गए हैं। और जब उसके फादर उसे छोड़कर जाते हैं, तो उसके पास खाने के लिए उस टाइम कुछ नहीं होता, बट जो मंकी के खाने के लिए उन्होंने रखा होता है, वे वही चीज़ें खाना शुरू कर देता है। और वो बहुत ही थैंकफुल होता है अपने फादर के लिए, बिकॉज़ वो जाने से पहले उसके लिए कुछ पैसे हैं वो रख कर गए थे, जिससे वो अपने खाने के लिए कुछ ले सके। अब जो लड़का है, वो ये तो जान ही जाता है कि स्नेक को कैसे हैंडल किया जाता है, और जो पाइप है उसे भी कैसे यूज़ करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो उसने अच्छा कमाना शुरू कर दिया था, अब वो इंडिपेंडेंट था और उसे अब किसी का भी डर नहीं था। जैसे पहले उसके फादर उसे मारा करते थे, अब उसे अपने फादर का कोई डर नहीं था। पर उसे इस बात का दुख था कि उसके जो फादर हैं, उसके मंकी को साथ में ही ले गए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो फादर है, उसकी सेल्फिशनेस है। एक तो वो अपने बेटे को अकेले छोड़कर चले गए, और दूसरा, जिससे ज़्यादा कमाई हो सकती थी, उस मंकी को भी अपने साथ ही ले गए। और आगे जब स्टोरी बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि जो लड़का है, वो अभी ऐसे ही कितने ही महीने गुजर गए, कितने साल गुजर गए, और वो लड़का बड़ा हो गया, बट जो नाग है वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, और अब वो लोगों को एंटरटेन नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से जो लड़का है, वो डिसाइड करता है कि इस जो स्नेक है, इसे उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपना जो बाकी टाइम है ज़िंदगी का, वो अच्छे से गुजार सके। और वो उसे फॉरेस्ट में छोड़ने के लिए भी जाता है, बट जैसे ही वो वहाँ से आना शुरू करता है, वो स्नेक है उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, क्योंकि स्नेक के लिए जो उसका घर था, वो बास्केट थी जो उस लड़के के पास थी, क्योंकि इतने सालों से वो वहीं पे रह रहा था, अब उससे बाहर की दुनिया से
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो उसके लिए उसका घर नहीं रह गया था। तो अब जो स्नेक है वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद जो लड़का है वो देखता है कि एक पंछी को देखता है आसमान में, और उसे लगता है कि वो पंछी है जो वो स्नेक को खा जाएगा। और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी बास्केट में स्नेक को डाल लेता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, वो नहीं चाहता था कि जो स्नेक है उसे किसी भी तरह का नुकसान हो। और ऐसे वो अपने घर उसी हट में उसे साथ में ले जाता है और वहीं उसे साथ में ही रखता है, और इन दोनों की लॉयल्टी एक दूसरे के लिए रहती है। ना ही स्नेक उसे छोड़कर जाता है और ना ही वो लड़का है वो स्नेक को छोड़ता है। अब यहाँ बताया गया है कि उसके फादर से अच्छा तो उसका स्नेक था जो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बट उसका फादर है उसने एक बार भी उसके लिए नहीं सोचा। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और एक और बात मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि अभी तक मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं उसमें से सिर्फ 1% लोगों ने ही मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी के 99% लोग हैं जो वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी स्टोरीज की जो समरीज है उन्हें एक्सप्लेन करती रहूँ, समरीज लाती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।